नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कोरोना की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है, भीषण होती जा रही है और केंद्रीय टीम ने आज बिहार के कंटेनमेंट जोन का दौरा किया है। बिहार दौरे पर आज केंद्रीय टीम आई थी और स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के नेतृत्व में राजीव नगर इलाके का दौरा किया और कई कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। उनके साथ DM कुमार रवि भी मौजूद थे। अब इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। RJD इसको बिहार सरकार की विफलता बता रही है। RJD ने यह कहा है कि केंद्रीय टीम बिहार में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने आई। इससे यह साफ हो गया कि बिहार सरकार पूरी तरह से विफल है। बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या कहा है RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने, वो हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे की बातचीत होगी। केंद्रीय टीम बिहार दौरे पर आई है, ये तो सुनिश्चित कर दिया कि बिहार सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार सरकार नाकाम रही है। बिहार में जिस तरह से अराजक और विस्फोटक स्थिति कोरोना संक्रमण को लेकर बन गई है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमरा गया है, पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था ही बिहार का चौपट है। इस स्थिति में केंद्रीय टीम आई है, अब देखना है कि वो क्या राहत दे पाती है। बिहार सरकार की नाकामी के कारण ही केंद्रीय टीम को आना पड़ा है। बिहार की जनता को क्या इसका लाभ मिलेगा? डबल इंजन की सरकार में जनता कराह रही है कोरोना के विस्फोट से। किसी को बेड नहीं मिल रहा, कहीं जांच नहीं हो रहा है, कोई अस्पताल के चौखट पर दम तोड़ रहा है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। तो डबल इंजन की सरकार में केंद्रीय टीम आई है तो बिहार की जनता के लिए क्या सौगात लाई है, ये प्रमुख बात है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्या राहत मिलेगा बिहार को, इसका क्या लाभ मिलेगा बिहार को। ये तो केंद्रीय टीम के आने से ये तो साबित हो गया कि बिहार सरकार पूरी तरह से नाकाम रही कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में। तो साफ तौर पर RJD ये सवाल उठा रहा है। RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि केंद्र की टीम बिहार आई है कोरोना की स्थिति देखने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए, और इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार सरकार विफल है। कोरोना से निपटने में जो इंतजाम हैं वो नाकाफी हैं और सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।